साइकिया के साथ। देखिए तारे टैरो एंड टिप्स हर रोज 11 न्यूज पर। बाप का नाम, जुबा पे अल्लाह का नाम, सभी भाइयों दोस्तों को बच्चों को हजी अरफा शेख का सलाम। आज मैं जब घर से निकल रहा था, हमारी अम्मी जान ने कहा असर का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ लो और दो रकात शुक्राना भी पढ़ लो। मुझे कुछ अलग महसूस हुआ कि पिछले 17-18 सालों में एक नेता के साथ काम करने की शुरुआत की, स्टूडेंट विंग से देखते देखते हमारी खुद की पार्टी हो गई। आपके बिरादरी के इस भाई को माननीय राज साहब ने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट किया। एक सालों के बाद ट्रांसपोर्ट विंग की जिम्मेदारी दी गई। जब मेरे पास वातुक सेना की जिम्मेदारी दी गई, मेंबर एक विचार लेके निकला, एक सोच लेके निकला, एक दुआ लेके निकला और देखते ही देखते 5 साल में 7.5 लाख मेंबर खड़ा कर दिया। आज पहली बार मैंने मेरे मां के चेहरे पर वो खुशी देखी। मैंने पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सी सभाएं अटेंड की, हजारों लोगों के सामने मैंने माननीय राज साहब के विचार रखे, मेरे कौम के मुद्दे रखे। तभी कभी हमारी मम्मी ने मुझे नहीं कहा, उनका जब चेहरा देखा तो गाड़ी में एक बात सोची कि पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पार्टी का हाई कमांड साथ होता है, पार्टी का प्रेसिडेंट साथ होता है, पार्टी के लोग साथ में होते हैं। पार्टी का नेतृत्व करना मुझे लगता है बहुत इजी होता है, समाज का नेतृत्व करना बहुत बड़ा काम होता है। और एक समाज के नेतृत्व करते वक्त अलग अलग तरीके के हमारे समाज के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से काम किया जाए एक सोच दिल में चल रही थी। लेकिन मुझे यकीन था मेरे साथ मेरे सभी लोग, मेरी कौम, मेरे पार्टी के सभी लीडर मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। पिछले हफ्ते मैंने मेरे बड़े भाई जिन्होंने यह हाजी अरफा शेख को हर दुख में संभाला, जब जब मैंने उनसे आवाज दी, जब जब उनको कुछ भी अपनी छोटी सी छोटी समस्या रखी, उनसे मैंने डिस्कशन किया, उनका नाम है
आमदार बाला नांगवकर। बाला नांगवकर साहब से मैंने कहा कि साहब मुझे पता है आपका इलेक्शन चल रहा है और आपके इलेक्शन में आप बिजी है, लेकिन मेरे समाज ने कुछ 15 से 20 दिन पहले, मैं उस कार्यक्रम में भी नहीं था, और मेरे समाज के मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने हाजी अराफत शेख को महाराष्ट्र का खाटिक समाज का अध्यक्ष किया, और उस खाटिक समाज का मैं प्रोग्राम करना चाहता हूं, आप उस कार्यक्रम में आएंगे क्या? बाला नांगवकर जी ने कहा कि हाजी तेरे छोटे से छोटे दुख में भी मैं खड़ा रहा, तेरा तो इतना बड़ा सुख है, एक समाज के लिए काम करने के लिए तू जा रहा है, मेरी कितनी भी बड़ी सभा होगी मैं उस सभा छोड़कर तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। व्यासपीठ पे बैठी मेरी बड़ी बहन पार्टी की नेता रीटा गुप्ता जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई आमदार मंगेश सांगले जी, जिनके साथ पिछले कई सालों से हर मोड़ पर काम किया, जिन्होंने मुझे हर वक्त साथ दिया, मेरे वातुक सेना के सर चिटनीस और पार्टी के उपाध्यक्ष संजय जामदार जी, जिस दिन मुझे नगर जिला के अंदर अध्यक्ष बनाया गया, इत्तेफाक की बात है, मैं मेरे वालिद के कब्र पे था, दुआएं कर रहा था, उस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त फिल्म अभिनेता शहजाद खान, उन्होंने कहा कि हाजी पिछले एक साल से मैंने सिर्फ तुमको अजीब तरीके से दुख में देखा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानियों में देखा है, आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपको बहुत डिस्टर्ब देखा है, मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा और साथ में मेरे सभी साथियों को, जैसे मैंने अली भाई से कहा, अली भाई ने भी उस तरीके से कहा मैं आता हूं, वो आज दिल्ली जाने वाले थे, रज्जाक भाई से कहा, रज्जाक भाई भी चले आए, चंद्रचूर सिंह से कहा, वो भी हमारी दावत कबूल करके हमारे समाज को मिलने के लिए आए, हरीश जी से कहा, वो तो दिल्ली से फ्लाइट से सीधा उतर के एक समाज के प्रोग्राम के लिए चले आए, और हम सब के दोस्त हमारे बिड़ू अभी मुझे लगता है कि जब आप उनको सुनेंगे तो आप सच में ऐसा महसूस करेंगे कि ये जैकी श्रॉफ हमारी बिरादरी का है। वो जब मेरे बाजू में बैठे थे, मेरे कान में कुछ बता रहे थे, आप लोग ऊपर से देखकर हंस रहे थे कि जैकी श्रॉफ हाजी भाई के कान में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको समझ रहा था, मैंने कहा कि बात हम लोग अंदर जाके करेंगे, यहां करना ठीक नहीं है, लेकिन वो बात सच थी। आज ये कार्यक्रम के लिए सभी मेरे बिरादरी के, मेरे दोस्त, मेरे बिरादरी के पूरे महाराष्ट्र के सदर, मेरे बुजुर्ग, मेरी मां और मेरे जितने भी जो लोग साथ में यहां पे अपने साथ
रात भर जागकर यहां पे आए हुए हैं सभी लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये आज का प्रोग्राम मुझे लगता है कि अगर हम सोचे, अगर गौर से हमने इस चीज को सोचे, गौर से इस पे गौर फिक्र किए, अगर मुझे कुछ मिला नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने मेरे बिरादरी के पहले प्रोग्राम में सारे सदर को एक स्टेज पे लिखा। मुझे यह पता नहीं है कि मैं आगे किस तरीके से आपकी बिरादरी का, अपनी बिरादरी का काम कर पाऊंगा, कुछ पता नहीं है। कैसे हमारी समस्या सॉल्व कर पाऊंगा यह भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर करूंगा, मैं मेरे बिरादरी के हर एक बच्चे बच्चे को, हर एक बिरादरी के एक एक छोटे छोटे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे जरूर लेके आऊंगा। नांदगांवकर साहब, बताते हुए खुशी महसूस करता हूं, ये मेरी बिरादरी छोटी नहीं है, ये तो ट्रेलर है। खिलाए
उसकी सेवा किए, जो एक हलाल रोजी हम कमाने निकले, हमारे साथ क्या सुलूक हो रहा है मैं आपको खास तौर पे बताऊंगा। इसको मजाक पे और तालियां बजाने की बात नहीं है दोस्तों, हमारी हकीकत हम अपने सामने रखूंगा, क्योंकि ये भारी सारी दुनिया ये टेलीविजन पे पूरा हिंदुस्तान इस प्रोग्राम को देख रहा है। मैं चाहता था कि कुछ समय को दे दो, मगर मुझे आगे वाली मीटिंग, इसलिए मैं आपकी इजाजत लेके निकलने वाला हूँ। आज हाजी थोड़ा इमोशनल ज्यादा हुआ था, इतने साल हमारे साथ में आपके साथ में काम कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी आज इसलिए है कि आजी ने अभी अपने समाज के लिए काम करने का निर्णय लिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं हाजी को शुभकामनाएं देने के लिए और आप लोगों का आभार शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। पार्टी में हमने हाजी को वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट दी है, प्रेसिडेंट राज ठाकरे साहब है और कुछ प्रेसिडेंट हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट, उसमें हाजी है हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। वो समाज देख के हमने पोस्ट नहीं दी उसको, हमने उसकी मेरिट देख के पोस्ट दी है। और मुझे लगता है कि आपने भी हाजी को आज जो आपके समाज के संस्था का अध्यक्ष बना दिया उसको, मुझे पूरा यकीन है वो हमारे पार्टी के साथ जितना प्रामाणिकता से काम करता है वैसा ही अपने समाज के साथ भी प्रामाणिकता से काम करेगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आए हुए लोग हर पार्टी के होंगे या ना होंगे, फिर भी उन्होंने ये बात बता दी आपको कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हाजी अराफत आपको मदद करेगा। मैं हाजी के सुख में भी रहा हूं और दुख में भी रहा हूं, हाजी को मैं मेरे बेटे जैसा मानता हूं और सम्माननीय राज ठाकरे साहब का उसके सर पे पूरा आशीर्वाद है। जब हाजी साहब ने आपको कह दिया है तो आप ये समझ लो कि हमने उसको पूरी ताकत दी है और आपको सहयोग करने का क्योंकि आज का स्पीच हम पहले पॉलिटिकल लोग, हम तो कोई डायलॉग पढ़ के पाठ करके तो आते नहीं, वो तो इन लोगों का काम है, सब लोगों का, हमारा तो काम नहीं। मगर ये पॉलिटिकल रैली ना होने की वजह से मैं ज्यादा नहीं बोलने जा रहा हूं कि मैं कैंडिडेट हूं, मैं कुछ
बोल दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, जो हाजी साहब ने लास्ट में कहा है कि आपकी एकता मजबूत रखो, करो, बनाओ। आपकी एकता मजबूत रखने में ही आपका हित है। कोई भी पार्टी हो उनको चल के आपके पास आना करना चाहिए, इतनी ताकत बना। बाकी हाजी बहुत अच्छा काम करता है, मुझे पता है, 25-30 साल मेरे साथ में काम कर रहा है, पार्टी के साथ जुड़ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी में भी हाजी का सम्मान आगे चल के भी रखा जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और हाजी को भी मेरा कहना है कि आप ये अम्मी भी यहां पे आई है, आपने अम्मी के सामने लोगों से बात किए वाली हकीकत में आज बहुत खुश हूं। शम्मी कपूर वाले गाना याद आता है, गाना मालूम है रजाक भाई, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने कि तुम नशीबवान आदमी कि एक अच्छे पार्टी के नेता के साथ जुड़ चुके हो, एक अच्छे मां बाप से जन अपने। और मैं चाहता हूं ये अपनी फैमिली है, आपने कहा बस इस फैमिली के साथ इतना अच्छा तरह से जुड़ जाओ ताकि उनको लगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा सहकारी जब भी हम बोले तो हमारे लिए तैयार। पैसा तो आता ही जाता है, पैसा घर में रहता है क्या कभी? वो तो मेहमान है, घर में आते और वापस जाते हैं। पर इंसानियत घर की तिजोरी है, मुझे आपको इतना ही कहना है। उस परवरदिगार से मैं प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से, खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इतनी इज्जत बख्शे, इतना सम्मान मिले। आप कितने भी बड़े बन जाओ, ये समाज सबसे बड़ा है, समाज को कभी भूलना नहीं। कभी कभी अपने उससे अपने से भी गलती होती है, कभी कभी समाज से भी गलती होती है। गलती होने के बाद भी अपना अपना होता है, पराया पराया। अपना जो लोग इतने महाराष्ट्र से आए हैं वो कुछ दिन में अरमान लेके आए, उन्हें लगता है वो आपसे पैसा मांगने नहीं आए, उनको लगता है कि एक जिम्मेदार आदमी को हमने जिम्मेदार कुर्सी दी है तो उस कुर्सी का उपयोग भी जिम्मेदारी से होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए।
मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम जिम्मेदारी के साथ जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो बड़ी कुर्सी है, छोटी कुर्सी नहीं है। ये समाज आज आपको सर पे लेके नाच रहा है, इसको हमेशा अपने गले का ताई बना के रखो। समाज कभी गलती हो गई तो आपको माफ नहीं करेगा, ये भी याद रखो। मैं 35-40 साल से समाज में काम कर रहा हूं, भिन्न भिन्न समाज में काम कर रहा हूं, भिन्न भिन्न धर्मों में काम कर रहा हूं। लोगों को कुछ नहीं चाहिए अलावा प्यार, अलावा मोहब्बत, कुछ नहीं मांगते। उनके वक्त पे आपको जाना है और उनको मदद करनी है, उतनी डर भी मत हो गए और आप करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और करके मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद रखा और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उसने मैंने आपके सामने उसको बोल दिया है, ये समाज है, समाज का हर काम अपना खुद का काम समझ के आगे करो, समाज तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा और दुआ भी देगा। बस आपको और क्या मैं दे सकता हूं, अम्मी को भी मेरी दिल से शुभकामनाएं है। अभी नया नया पोता भी आया है, अच्छी बात है। मुझे आज भी याद है हाजी साहब के पिताजी ने, जिनको हम बाबा बोलते थे, उन्होंने कहा था कि बाला ये लड़का हमने तुम्हारे पास दिया है, उसको संभाल लो, थोड़ा गर्म दिमाग का है, थोड़ा टेढ़ा है। मैंने उनके डैडी को कहा था हम भी थोड़े वैसे ही है, अभी करे तो क्या करे भाई। गर्म दिमाग जब चाहिए तभी करना पड़ता है, और बाकी शांत रहने से बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि हाजी साहब अपना दिमाग शांत रखे, अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, और समाज में नहीं तो पूरे मुंबई शहर, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में एक हमारा लड़का समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आखिर में ले जाना क्या भाई, मैं हमेशा कहता हूं इस धरती पे आए हैं तो इस धरती से जाना भी तो है, आज के तो कल से जाना तो हरेक को है। पर समाज में दो टाइप के लोग होते हैं, कोई अच्छा आदमी अगर चल बसा, गुजर गया, मर गया तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हो गया, एक अच्छा आदमी है। और कोई चांडाल मर जाता है, हरामी आदमी मर जाता है तो लोग बोलते साला अच्छा हो गया मर गया। अजी साहब अपने को जीना है अच्छा आदमी करके मरने के लिए लोगों के लिए। आपको कहता हूं आपको मेरी शुभकामनाएं, बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है अभी इलेक्शन के पीरियड में बता रहा हूं, उचित नहीं है। बाद में हाजी साहब और आप लोग मेरे को मिलिए, मैं आपके साथ में हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।